नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारा खास कार्यक्रम गोल्डन पोर्टफोलियो में आपका स्वागत है। पिछला एक हफ्ता और अगर बात करें बजट के ऑनवर्ड्स ही, तो काफ़ी सारे मूवमेंट यहां पर सोने में देखने को मिली है। वही हाल चांदी का भी है। काफ़ी हद तक ज्वेलरी इंडस्ट्री इसे ध्यान से देखे हुए है। कंज्यूमर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं समझने के लिए, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी सोना चांदी खरीदा है, क्योंकि भावों में इमीजिएट गिरावट देखने को मिली वो ड्यूटी कट की वजह से, जो 15% से घटा के 6% कर दी गई। साथ ही साथ जो इंडेक्सेशन है वहाँ पर चेंजेस हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो गई है, बिकॉज अब तक यहाँ पर लोग भारत से ना करके बल्कि जो आसपास की कंट्रीज हैं जैसे कि यूएई, दुबई, एमिरेट्स वगैरह और साथ में सिंगापुर से सोना लेना पसंद करते थे, क्योंकि एक वहाँ पर प्योरिटी और दूसरा वहाँ पर ड्यूटी कम थी, तो वो भी उनको प्राइस फैक्टर यहाँ पर मिलता था। लेकिन भारतीय बाजारों में अब मैंडेटरी हॉलमार्किंग के चलते और क्योंकि ड्यूटी कम कर दी गई है, तो किस तरह के बेनिफिट्स हैं, कैसे इंडस्ट्री इसे देखती है, अब ये ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर क्या समझाया जाए, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जीजेसी के चेयरमैन सैयद मेहरा, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले और दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश सिरोय। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सैयद, पहले आपसे जानना चाहेंगे, और क्योंकि आप इंडियन मार्केट्स को और ग्लोबल मार्केट्स को भी यहाँ पर देखते रहे, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपके लिए ये बजट कैसा रहा, क्या आपने यहाँ से लिया है? बिकॉज जहाँ तक ड्यूटी कट की बात है, पॉजिटिव है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है। आप कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? देखिए, एक्चुअली बहुत पॉजिटिव स्टेप था एफएम का, जिसके अंदर उन्होंने 9% ड्यूटी घटाई, 70,000 के करीब भाव हो गए, 20% की ग्राहकी, जो इस टाइम पे जुलाई के अंदर पिछले साल के अंदर इतनी अच्छी ग्राहकी नहीं हुआ करती है हर साल, लेकिन अभी कस्टमर्स वॉक इन कर रहे हैं सब ज्वेलरी स्टोर्स में। जो पहले होता था कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर लोग जब एयरपोर्ट पर उतरो, इतनी मोटी चेन्स, हाथ में बड़े बड़े ब्रासलेट्स पहन के लोग आते थे, और एक कस्टम्स के अंदर भी जब बाहर निकलते थे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर आदमी को जाके चेक करना है, वरना 8 घंटे की लाइन लग जाए एक आदमी को बाहर निकलने के लिए, तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो वो सब देखते हुए जो 300-400 kg की सेल गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट से होती थी या स्मगलिंग के रूट से इंडिया के अंदर गोल्ड आता था, वो भी बंद हो गया, और लोग एक्चुअली अभी जितने NRIs हुए, डोमेस्टिक बायर्स हुए, जो बाहर ट्रैवलर्स थे, सब भी इंडिया के अंदर ही बाय कर रहे हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है इसके अंदर। और जो भी वॉर भी लूमिंग हो रही है इसराइल की और ईरान की, उसके वजह से भी जो भाव अभी धीरे धीरे बढ़ना चालू हुए हैं, जो GST के ऊपर भी जो ये रूमर चला जिसके अंदर लग रहा है कि 2% GST बढ़ जाएगी, ये भी जो रूमर है, एक्चुअली हमारी जो बात चल रही है GST के अंदर CBIC में, ऐसा कोई बात नहीं है, तो उस रूमर के वजह से भी काफी ग्राहकी है मार्केट के अंदर। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव हुआ है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर 800 से 850 टन गोल्ड हर साल इम्पोर्ट होता है, इस साल भी उतना ही होगा, मगर अगस्त और सितंबर के अंदर जो रिकॉर्ड इंपोर्ट्स होंगे, जो 100 टन के ऊपर आएंगे अगस्त के अंदर भी और सितंबर के अंदर भी, उसके बाद धीरे धीरे बराबर तरीके से चैनलाइज हो जाएगा, लेकिन ये 2 महीने जो है वो इंपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स आने के संकेत हैं, और आज से इंपोर्ट्स बराबर तरीके से माल छूटने लग गया है। लास्ट वीक IBX के अंदर भी माल बराबर तरीके से छूट नहीं रहा था, काफी डिपार्टमेंट को क्वेश्चंस थे जो आंसर नहीं हो रहे थे, लेकिन $25 के प्रीमियम भी लास्ट वीक में चल रहे थे, आज से ये चीज वापस स्मूदनाइज हो गई है, मार्केट के अंदर वापस गोल्ड आने लग गया है, गोल्ड उपलब्ध है, ज्वेलरी भी अच्छी तरह बिक रही है, रिटेल के अंदर भी अच्छी डिमांड है, और मुझे लगता है दिवाली के अब तक ये डिमांड इस तरीके से रहेगी। राइट, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर सही हमने यहाँ पर डिस्कस किए। GST एज ऑफ नाउ र्यूमर है, ऑफकोर्स किसी के पास कोई यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, और बहुत सारी कॉन्वर्सेशन एज ऑफ नाउ बाजार में चलती हुई नजर आ रही हैं। पिछले हफ्ते हमने $25 से $30 का प्रीमियम आता हुआ देखा था, जो सही अब हमें बता रहे हैं कि इस हफ्ते अलाइन होता हुआ नजर आया है। राजीव, आप कैसे देखते हैं? आप कहेंगे जो ओवरऑल अलाइनिंग थी ड्यू